सनसनी ऑफ इंडिया। मर्डर और डकैती के एक मामले में आजीवन कठोर कारावास की सजा काट रहा एक कैदी पैरोल मिलने के बाद ऐसा फरार हुआ था कि उसे दबोचने में क्राइम ब्रांच दक्षिणी रेंज आरकेपुरम की टीम को पूरे 8 साल लग गए। पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी पिछले 8 साल से देश के अलग अलग राज्यों में अपना नाम और हुलिया बदलकर छुपता फिर रहा था। 8 साल में आरोपी ने मात्र एक गलती की और उसी एक गलती की मदद से क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को दबोच लिया। फरार कैदी की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी 39 वर्षीय करण सिंह मंडल उर्फ करण मंडल के रूप में हुई है। अमित गोयल DCP क्राइम ब्रांच ने बताया कि लगभग 22 साल पहले दिनांक 27 अप्रैल 2000 को आरोपी करण सिंह मंडल उर्फ करण मंडल लूट के इरादे से नई दिल्ली के भगत सिंह मार्ग स्थित एक घर में घुसा था। लूट के दौरान आरोपी ने घर में मौजूद एक दलजीत कौर नामक महिला की हत्या भी कर दी थी और आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया था। थाना मंदिर मार्ग में धारा 302/397 और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत के मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। सबूत और गवाहों के आधार पर एसएन ढींगरा एडिशनल सेशन जज पटियाला हाउस कोर्ट ने दिनांक 26 अक्टूबर 2004 को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। पिता की मौत पर दिनांक 31 अक्टूबर 2015 को कैदी को 2 सप्ताह की पैरल मिली थी। पैरल पर जेल से बाहर निकलने के बाद कैदी फरार हो गया था। पिछले 8 साल से फरार कैदी को दबोचने के लिए क्राइम ब्रांच की कई टीमें काम कर रही थी, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 8 साल से फरार कैदी को हर हाल में दबोचने के लिए अमित गोयल DCP क्राइम ब्रांच ने दबंग ACP उमेश बर्थवाल की सुपरविजन व तेज तर्रार इंस्पेक्टर राकेश शर्मा के नेतृत्व में SI उदयवीर, हेड कांस्टेबल सूर्यदेव, सुधीर, घनश्याम, सतपाल और संजय यादव की एक विशेष टीम का गठन किया। टीम के पास फरार कैदी का न तो कोई मोबाइल नंबर था और न ही यह पता था कि आरोपी कहां रह रहा है। टीम ने सबसे पहले आरोपी के गांव तुमिला, जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल में स्थानीय मुखबिरों की मदद से जानकारी जुटाई तो पता चला कि आरोपी की पत्नी व 2 बच्चे तो गांव में ही रह रहे हैं, लेकिन आरोपी अपने परिवार के साथ नहीं है। तेज तर्रार इंस्पेक्टर राकेश शर्मा ने मुखबिरों की मदद से आरोपी की पत्नी व 2 बच्चों के मोबाइल नंबर ले लिए और सर्विलांस पर लगवा दिए। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी की पत्नी व बच्चों के मोबाइल नंबरों की पिछले कई साल की कॉल हिस्ट्री खंगाली, लेकिन उसकी पत्नी व बच्चों के मोबाइल नंबरों से यह पता चलता था कि यह कुछ लोगों से तो बात करते हैं, लेकिन जितने भी लोग थे सब रिश्तेदार थे। फरार कैदी करण सिंह मंडल उर्फ करण मंडल शायद किसी नंबर पर बात नहीं कर रहा था। टीम अंधेरे में थी। धीरे धीरे काफी समय निकल गया, लेकिन टीम लगी हुई थी कि किसी भी हाल में आरोपी को खोजना था। टीम को मुखबिरों से यह भी पता चला कि आरोपी की पत्नी व बच्चे कोई काम धंधा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। टीम ने जांच की तो पता चला कि आरोपी का कोई भी रिश्तेदार इतना पैसे वाला नहीं है कि वो आरोपी के परिवार का खर्चा उठा सके। दबंग ACP उमेश बर्थवाल को पूरा शक था कि आरोपी ही अपने परिवार को खर्चे के लिए पैसा भेजता होगा। टीम ने आरोपी की पत्नी व बच्चों के बैंक खातों को भी टटोला, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। टीम को यह लगा कि आरोपी बैंक खाते में न भेजकर किसी के हाथ से पैसे भेजता होगा, इसलिए टीम ने आरोपी के परिवार से मिलने आने वाले सभी लोगों की जांच की तो कुछ भी नहीं मिला। टीम को मुखबिरों से पता चला कि आरोपी की पत्नी महीने में एक बार गांव में एक मनी ट्रांसफर की दुकान पर जरूर जाती है। तेज तर्रार इंस्पेक्टर राकेश शर्मा का माथा ठनका कि आरोपी के परिवार में कोई काम धंधा तो नहीं करता है, इसलिए किसी को भेजने के लिए इनके पास पैसे तो हो ही नहीं सकते, लेकिन मनी ट्रांसफर की दुकान पर कोई वे वजह क्यों जाएगा। सारी निगरानी व छानबीन करने के बाद टीम को लगा क्यों न मनी ट्रांसफर के दुकान के मालिक को टटोला जाए। मनी ट्रांसफर के दुकानदार से पूछताछ से दबंग ACP उमेश बर्थवाल का शक सही निकला। आरोपी के परिवार को खर्चे के लिए कोई मनी ट्रांसफर से पैसे भेजता था। मनी ट्रांसफर ट्रांजैक्शन की जांच की तो पता चला कि दिल्ली में ISBT के पास मौजूद एक मनी ट्रांसफर की दुकान से पिछले कई महीनों से कोई व्यक्ति पैसा भेजता आ रहा है। तेज तर्रार इंस्पेक्टर राकेश शर्मा को पूरा यकीन हो गया था कि आरोपी दिल्ली में ISBT के आसपास ही कहीं छुपा हुआ है। टीम ने ISBT के आसपास मुखबिरों का जाल बिछा दिया। टीम की मेहनत रंग लाई और दिनांक 28 जुलाई को टीम के हेड कांस्टेबल सूर्यदेव को अपने सोर्स से पता चला कि फरार कैदी को मजनू के टीले के आसपास घूमता देखा गया है। हेड कांस्टेबल सूर्यदेव की सूचना पर टीम ने तुरंत मजनू के टीले पर छापेमारी की और आरोपी करण सिंह मंडल उर्फ करण मंडल को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पिता की मौत पर उसे 15 दिन की पैरोल मिली थी, लेकिन वो 15 दिन बाद जेल वापस नहीं गया और नाम और हुलिया बदलकर ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में छुपकर काम करता रहा था। उसने खुलासा किया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो इन राज्यों में किराए के मकान में रहता था।
आरोपी ने बताया कि वो पुलिस से बचने के लिए अपने पास मोबाइल भी नहीं रखता था और न ही अपनी पत्नी व बच्चों के मोबाइल पर कॉल करता था। लेकिन वो अपनी पत्नी व बच्चों से बहुत प्यार करता था। उसे पता था कि अगर वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य के बैंक खाते में पैसा भेजेगा तो पकड़ में आ जाएगा, इसलिए वो गांव की ही एक मनी ट्रांसफर की दुकान पर पैसा भेज देता था और उसकी पत्नी वहां से ले लेती थी। उसे लगता था कि ऐसा करने से वो कभी पुलिस की नज़र में नहीं आ पाएगा, जो कि उसकी भूल थी। जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी करण मंडल ने अपनी पढ़ाई पश्चिम बंगाल से की है। आरोपी शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद आरोपी वर्ष 1999 में नौकरी की तलाश में दिल्ली आया और दक्षिण दिल्ली के अलकनंदा इलाके में एक केबल ऑपरेटर के रूप में नौकरी करने लगा। उस दौरान आरोपी शराब का सेवन करता था और बुरे तत्वों के संपर्क में आ गया था और वर्ष 2000 में वो अपने खर्च को पूरा करने के लिए चोरी के इरादे से नई दिल्ली के भगत सिंह मार्ग स्थित पीड़ित के घर में घुस गया। लूट के दौरान उसने पीड़ित की हत्या कर दी थी और मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ा गया। कोर्ट ने हत्या व लूट के आरोप में वर्ष 2004 में आजीवन कठोर कारावास की सजा दी थी। वर्ष 2015 में पिता की मौत पर उसे 15 दिन की पैरोल मिली थी, जिसका उसने गलत फायदा उठाया और फरार हो गया। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।